Assalamualaikum dear student, I hope you are all well dear student. In last class we start with the chapter that is time in calendar. Today we will continue with that chapter. So open up your book at page number 118. Here we have calendar for 2015. Okay, and we have to solve these questions based on this calendar. Okay, now आपने ये कैलेंडर पहले रीड कर लेना है. देखें इस कैलेंडर में क्या दिया हुआ है. एक कैलेंडर में क्या होता है, एक साल के पूरे मंथ्स होते हैं. मींस एक ईयर में क्या होता है, हमने पढ़ा था एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी, और एंड कहाँ पर होता है आपका, दिसंबर में. ओके, और हमने ये भी पढ़ा था किस मंथ में कितने डेज होते हैं. ठीक है, चलो हम वो भी रिकॉल कर लेते हैं. क्या पढ़ा था हमने, हमने एक राइमिंग कपलेट की तरह वो पढ़ा था 30 डेज हैव सेप्टेम्बर. ठीक है, इट मीन्स सितंबर में 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, नवंबर. ओके, आप कैलेंडर में भी देख सकते हो, ये देखो ये 30 पे, ये 30 पे, ये 30 पे, और ये भी 30 पे एंड हो रहा है. ठीक है, तो ये जो हैं ये 30 वाले हैं. ओके, अब देखें कितने मंथ हो गए 30 वाले, 1 2 3 4, फोर मंथ ऐसे हैं ईयर में, फोर मंथ ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, 30 डेज होते हैं. ठीक है, फिर एक्सेप्शन है फेब को छोड़ के. फेब में क्या होते हैं, 28 डेज होते हैं नॉर्मल डे ईयर में, और जब लीप ईयर आता है तो 29 हो जाते हैं. और बाकी सब क्या होते हैं, बच कौन से मंथ के, जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. दीज मंथ्स हैव 31 डेज. ओके, और टोटल ऑल टोटल डेज कितने हो गए, 365 डेज होते हैं. किसमें, नॉर्मल ईयर में. और अगर फेब में 29 हो जाएं तो नॉर्मल वो बन जाता है लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज. ये हमने सब अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया. ओके, विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर. ओके, नाउ टुडे वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कैलेंडर. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द गिवन कैलेंडर एंड फिल इन द डेट्स. ओके, हमने इस कैलेंडर में देखना है और ये जो क्वेश्चन हमें पूछे हैं ये डेट्स हमने फिल करनी है. ओके, जल्दी से करते हैं. फर्स्ट देखें, फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन, 3 डेज आफ्टर 2 जून. अगर 2 जून है, ठीक है, ये है जून का मंथ. अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, स्टार्टिंग हमने पढ़ा था हमारा वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे ख़त्म होता है. ओके, और आप देखोगे यहाँ पे संडे आपको क्या है, रेड कलर में दिया हुआ है. दिस शो के संडे को क्या है, हॉलीडे होती है. ओके, नाउ हेयर वी हैव क्वेश्चन 1, 3 डेज आफ्टर 2 जून. 2 जून के बाद, ये है ना 2 जून, जिस दिन ट्यूजडे था उसके बाद 3 डेज काउंट कर लेने हैं. 1 2 3, क्या डेट है, हमने क्या फिल करना है, डेट्स फिल करनी है. ठीक है, तो डे नहीं फिल करना, डे तो फ्राइडे है, डेट क्या है, 5 जून. तो ये यहाँ पे फिल कर दिए. ठीक है, अगर एक आपको समझ आ गया तो बाकी सब आप खुद भी कर सकते हैं. नाउ 4 डेज आफ्टर 4 मई, 4 मई है, उसके बाद 4 डेज आपने और काउंट करने हैं. कहाँ है मई, दिस इज़ योर मई, एंड हेयर वी हैव 4 डेज आफ्टर 4 मई. 4 मई कहाँ पे है, ये है आपका 4 मई, इसके बाद 4 डेज काउंट कर लो. 1 2 3 4, यहाँ पे पहुँचे किस पे, 8 पे. तो 4 डेज आफ्टर 4 मई क्या डेट होगी, 8 मई. क्या डेट होगी, 8 मई. ओके, सेकंड ब्लैंक बी पार्ट में क्या आ जाएगा, 8 मई. ओके, तो ये फिल करें, नेक्स्ट करते हैं. फिर 2 डेज आफ्टर 29 अप्रैल, 29 अप्रैल के बाद, ठीक है, 29 अप्रैल को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बाद 2 डेज आपने काउंट करने. तो अप्रैल में हमने देखा था 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, और नेक्स्ट हमारा किस में चला जाएगा, 1 डे मई में यहाँ पे. तो क्या आएगा, 2 डेज आफ्टर 29 अप्रैल क्या होगा, 1 मई. क्या होगा, 1 मई. ओके, अगर वो उस मंथ में हमारे डेज कंप्लीट नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखें क्या है, 10 डेज आफ्टर 25 जनवरी, 25 जनवरी के बाद 10 डेज हमें काउंट करने हैं. तो 25 जनवरी कहाँ पे, जैन ये है हमारा, इसके बाद 25 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए. तो फेब में भी काउंट कर लेते हैं, 7 8 9 10, क्या आएगा, 4 मई, 4 फेब्रुअरी. ओके, 4 फेब्रुअरी, आर यू ए आर वाई, ठीक है, 4 फेब्रुअरी, क्योंकि हमें काउंट करने थे 10 डेज आफ्टर 25 जनवरी. इट मीन्स 25 जनवरी को इंक्लूड नहीं करना था, उसके बाद 26 से काउंट करना था. तो उसमें तो 6 ही डेज बचे थे, 6 डेज बचे थे, तो 4 हमने यहाँ से लिए, टोटल कर लिए हमने 10 डेज. ओके, नाउ 5 डेज बिफोर 15 जुलाई, 15 जुलाई से पीछे 5, अब क्या है, बैकवर्ड जाना है जिसको. ठीक है, जैसे हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, वैसे बैकवर्ड डेज काउंट करने हैं, किसके, जुलाई के. यहाँ पे है 15 जुलाई,
हेयर वी हैव 15 जुलाई हेयर, ओके। तो इसके 5 डेज पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 जुलाई आ जाएगा, ओके। 2 डेज बिफोर 12 जून, 12 जून के पीछे 2 दिन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, 10 जून, ओके। 10, दिस इज योर 10 एंड लेट मी राइट हेयर जून, ओके, लेट मी राइट हेयर 10 जून, ओके। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 जून, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक, 1 डे बिफोर 1 मार्च, 1 मार्च से 1 दिन पहले क्या डेट होगी, ठीक है, इट मीन्स प्रीवियस मंथ होगा, उससे पहले वाले मंथ में जाएंगे, मार्च से पहले क्या आता है, फेब आता है, तो फेब का वो क्या होगा, 28 फेब, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 28 फेब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज वॉज नॉट अ लीप ईयर, दिस वॉज अ कॉमन ईयर, ओके, तो इसलिए 28 फेब आंसर आएगा इसका, ओके। 7 डेज बिफोर 2 मई, 2 मई से के पीछे 7 दिन आपने जाना है और बताना है क्या डेट आएगी, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, अगर आपको सारा समझ आया होगा तो ये आप कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अब आपने 2 मई से पीछे काउंट करना है, 1 मई से काउंट करते हुए पीछे 7 दिन जो है वो देखना है, मई से पीछे हमें जाना पड़ेगा, किस में, अप्रैल में भी, अप्रैल के डेज भी काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, लुक एट द गिवन कैलेंडर एंड फिल इन, अब फिर से इस कैलेंडर को आपने देखना है और इन ब्लैंक्स को भरना है। देयर आर डैश संडेज इन अक्टूबर, अक्टूबर में काउंट करो कितने संडे हैं, दिस इज योर मंथ ऑफ अक्टूबर हेयर, नाउ काउंट संडे 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी संडेज इन अक्टूबर, 4, 5 सितंबर टीचर डे इज अ डैश, 5 सितंबर को जिस दिन टीचर्स डे होता है उस दिन देखो क्या था, अब हमें क्या भरना है कैलेंडर से, ये सितंबर है, 5 सितंबर को क्या था, सैटरडे, क्या था, इज अ सैटरडे, ठीक है। जिस दिन 5 सितंबर को हम हर ईयर हर साल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर ईयर में बताना है 2015 में क्या था, क्योंकि हमें इस कैलेंडर को रीड करना है, ओके। नाउ 2 अक्टूबर गांधी जयंती बर्थडे, ठीक है, आपको सॉरी गांधी जी बर्थडे, आपको पता चल गया कि 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी का बर्थडे होता है, ठीक है, ये भी आपके जनरल नॉलेज इंक्रीज हो गई, एक तो टीचर्स डे का, एक गांधी जी के बर्थडे का। फॉल ऑन ए डैश किस में आ रहा है, वो देखें अक्टूबर को कहाँ पे है, टू ये फ्राइडे, क्या आएगा यहाँ पे, फ्राइडे, ओके। योर बर्थडे इज ऑन डैश, इट इज़ अ डैश, ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है, और उस दिन डे क्या है, ओके। राज स्कूल ओपन ऑन द 1st मंडे ऑफ अप्रैल, द डेट, अब राज का स्कूल क्या है, ओपन हो रहा है 1st मंडे ऑफ अप्रैल, ठीक है, मंडे जो 1st मंडे आ रहा है अप्रैल में, ऐसे देखो मंडे अप्रैल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1st अप्रैल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेडनेसडे, लेकिन इस अप्रैल में जो 1st मंडे आ रहा है, आई एम रिपीटिंग, अप्रैल में जो 1st मंडे आ रहा है उसकी डेट बतानी है, ये देखो क्या मंडे है, 6 डेट, क्या डेट है, 6 अप्रैल, ओके, द डेट इज 6 अप्रैल। टीना स्कूल ओपन 7 डेज आफ्टर दैट द डेट, उसके बाद राज का स्कूल खुला कब, 6 अप्रैल को, ठीक है, उसके 7 डेज बाद क्या खुल रहा है, टीना का स्कूल खुल रहा है, तो 6 के बाद आप 7 काउंट कर लो और डेज इंक्लूड कर लो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या आएगा, 13, तो डेट क्या आएगी, 13, टीना के इसमें क्या आएगी डेट, 13, ओके। लास्ट डे वॉज ऑन होलीडे फॉर 10 डेज फ्रॉम द लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी, लास्ट फ्राइडे, जनवरी का लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पे देखो जनवरी का लास्ट फ्राइडे कब था, 30 को, ठीक है। अब क्या रहा है, डे वॉज होली ऑन होलीडे फ्राम फॉर 10 डेज फ्राम द लास्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी, ही वॉज ऑन होलीडे फ्राम डैश जनवरी टू डैश फेब, अब किस फेब, जनवरी से लास्ट फ्राइडे से वो क्या था, होलीडे पे था 10 डेज के लिए, तो क्या मैंने बताया लास्ट फ्राइडे हुआ 30 को, तो वो कब से होलीडे पे था, 30 जनवरी से लेके फेब के कितने 10 डेज करो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 8 फेब तक वो क्या था, होलीडे पे था। आई होप कि आपको कैलेंडर रीड करना आ गया होगा और जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, थैंक यू।